Assalamualaikum, I am ArizAzeem, how are you guys? Today you will see that I am standing on a new place. This is not a new place, this is for me a very famous place. This is Bahria University Karachi campus. And today's video is a very special video. Today's special video is this way that if you are taking admission to this university, the semester is going to start by September. So if you are taking admission to this university, तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी साबित होने वाली है। अगर आप नाम ही दे रहे हो तो भी आपके लिए साबित होगी। तो इस वीडियो का कंटेंट आज हम ये है कि आज मैं आपको अपनी पूरी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा और यूनिवर्सिटी में तो अच्छी मतलब स्पेसिफाइड जगह है। जब आप नए यूनिवर्सिटी में आएंगे ना तो आपको मसले होगा जगह ढूंढने की, कौन सी स्पेस कहाँ पर है, कौन सा रूम कहाँ पर है, तो मैं तकरीबन पूरा दिखाऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि वीडियो के एंड में एक स्पेशल क्लिप आएगी। अभी तो आप समझ रहे होंगे कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी नहीं दिखा रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ डालूंगा वीडियो के एंड में, एक ज़बरदस्ती क्लिप है, शायद वो स्पॉन्सर्ड हो, लेकिन आप आखिर तक देखिएगा। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं, लेट्स गेट टू आवर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले वीडियो शुरू के साथ ही हम चलते हैं सबसे पहली जगह जहाँ पे, अगर आपने एडमिशन लिया आपने तो हम चलते हैं एडमिशन ऑफिस, लेट्स गो। तो हम चलने वाले हैं एडमिशन ऑफिस। एडमिशन ऑफिस में आप सबसे पहले आप जहाँ पर भी जाएंगे हरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में, क्यों? क्योंकि आपको फॉर दी एडमिशन क्यूरीज और कोई भी ऐसी चीज़ आपको देखनी है एडमिशन, तो एडमिशन ऑफिस में होगा। चले आपको एडमिशन ऑफिस लिख देते हैं। तो ये है एडमिशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे एडमिशन ऑफिस है फॉर द एडमिशन क्यूरीज। आप यहाँ आएंगे और अब हम बाकी लोगों को यूनिवर्सिटी की बाकी प्लेसेस देखते हैं, जैसे दो रूम स्पेशल रूम्स होंगे, मैं आज आपको वो दिखाऊंगा। और तो क्यूबिकल्स दिखाएंगे जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं, आपके सब्जेक्ट के मुताबिक टीचर्स जहाँ पे होंगे। और आपको सारे क्यूबिकल्स दिखाएंगे, स्पेशल रूम, एचओडीज, ऑफिस, लेट्स गो। ये कंप्यूटर लैब वन, लैब फोर है, ये लैब फोर है, वो उसके सामने वाली लैब थ्री है। ये वो रूम्स हैं जहाँ पे आपका कंप्यूटर लैब है, हमारी स्पेशल पता कायद ब्लॉक। अभी हम कायद ब्लॉक में आए जिस तरीके से एंटर हुए हैं। यहाँ पे इस तरफ हम फोयर के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और अब हम जाने वाले हैं रूम में, लेट्स गो अपस्टेयर्स। अभी हम लेफ्ट स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हैं। तो कभी भी ऐसा किसी भी क्लास के बारे में आपसे कोई पूछ रहे ये कौन सा रूम आपको या मैं आप पूछने वाले होंगे ये कौन सा रूम देखना है, तो फर्स्ट फ्लोर टाइप से हम फाइव लोग हैं। फर्स्ट फ्लोर क्यू, फर्स्ट फ्लोर में Q10 समथिंग होंगे, सेकेंड फ्लोर पे Q200 एंड समथिंग होंगे, और थर्ड में 300 होंगे, Q300 बाय द फ्लोर होते हैं। अब आपको ये हम रूम दिखा रहे हैं, फैकल्टी रूम पहले मोस्टली एचओडी यहाँ पर होते हैं। और उसके बाद जब आप यहाँ पेपर देखने आएंगे तो उसके बाद आप एक ज़बरदस्त जगह देखेंगे जो भी ये है, तो आप पेपर देखने वाले आपकी हालत होगी आप यही जाएंगे। तो ये फैकल्टी रूम टेन है, यहाँ पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के NS के और PS के GB के जो भी यहाँ पर बाकी क्लासेस। अभी हम सेकेंड फ्लोर पर हैं साइड के ब्लॉक, ये फैकल्टी फोर आके थोड़ा देर फ्री हो रहा है, काफ़ी देर हो रहा है। ये फैकल्टी फोर है, ये फैकल्टी फाइव है, मेरे राइट हैंड साइड पर फैकल्टी फोर है। अभी हम लेफ्ट से ऊपर आए हैं, सेकंड फ्लोर फाइव ब्लॉक, अब हम फोर के ऊपर हैं हाले। और ये स्पेशल क्लास राइट पे सिंडिकेट टू, ये आपकी सेवन फ्लोर पर पड़ेगी, बाकी ये फोर के ऊपर का पूरा जैसे मैंने बोला था कायद है, तो क्यू से होकर तो कोई सी भी यहाँ पर क्लास आ रही है, 208, 207, 209। और अब हम फैकल्टी रूम कौन से में जाना है, फैकल्टी रूम ट्वेल्व, यहाँ पे जो टीचर्स बैठे होते हैं वो फैकल्टी रूम, फैकल्टी रूम 11। अब हम आते आते राइट हैंड साइड पे आ चुके हैं जो कि कायद ब्लॉक के राइट हैंड साइड। फर्स्ट फ्लोर काइट ब्लॉक के एडमिशन ऑफिस है, तो अंदर रास्ता आ रहा है, हम उससे राइट हैंड साइड पे काइट ब्लॉक। अब हम एडमिशन ऑफिस के बाद से रूम टी ए टू डायरेक्टर है, लेफ्ट साइड पर। अब यहाँ से डायरेक्ट मीटिंग रूम से हम ऊपर जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे हमने
हाँ सेकंड फ्लोर पे गाइस लेट्स गो। कायद के थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं। कायद का इस जगह कायद इस ब्लॉक का नाम ही कायद ब्लॉक। सो नाउ थर्ड फ्लोर पे आना है कायद के 309। हम जैसे आप राइट हैंड साइड से हाँ कायद ब्लॉक के राइट हैंड साइड से ऊपर आएंगे तो आप 309 पड़ेगा और 307 थर्ड फ्लोर पड़ेगा। एक साइड पे आपके फैकल्टी राउंड हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे दो वॉशरूम हैं। हम 402 पर जा रहे हैं थर्ड फ्लोर का फ्लोर थर्ड। ये स्पेशल अरेंजमेंट फॉर इन केस ऑफ फायर। इज वेरी गुड विथ सीसीटीवी। आप काफ़ी जगह देखेंगे यहाँ पे सीसीटीवी। और ये हम आप थर्ड फ्लोर पे आ गए फाइव ब्लॉक के। और ये आपका ऐसी जगह एक वो जगह है जहाँ पर मैं हमेशा आपको पाया जाऊँगा। ज़बरदस्त तो ये वो जगह है जहाँ पर मैं आपको हमेशा पाया जाऊँगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। और अब हम कायद फ्लोर के थर्ड फ्लोर पे हैं जो कि इट्स कायद। अब हम इस नीचे जाके कैफेटेरिया के बाद हम दूसरे ब्लॉक में जाएंगे। सो स्टिक अराउंड। से अब हम जा रहे हैं कैफे की तरफ। कोयल से बिल्कुल अगर स्ट्रेट आए तो सोवियर पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे और एग्जामिनेशन सेल पड़ता है राइट हैंड साइड पे। अब हम जा रहे हैं कैफे। हम खुली हवा में कैफेटेरिया में आ गए। वैसे तो आप अरे भाई आराम से ये कैफेटेरिया में आ गए। ये कैफेटेरिया हमारा सबसे ज़्यादा आवाम। अभी आपको बिल्कुल रश नहीं मिल रहा है। अभी आपको आपको देखिएगा जब तक यूनिवर्सिटी खुल जाएगी आपको वहाँ पर बहुत रश मिल रहा है। अब हम आपको ऑडी जाने से पहले आपको थोड़ा वाओ के सामने का और एक पूरे दोनों कैफे दिखा देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में दो कैफे हैं। एक है कैफेटेरिया तो हमने आपको दिखा दिया। एक है वाओ। वाओ का नाम वाओ ही है लेकिन खाने तो वो है वाओ। कट सीन में आपको एंड में वीडियो के एंड में कट सीन दिखाऊंगा आपके सारे। और अभी हम ये पार्किंग बनी हुई ऑन स्पॉट ये थोड़ी पार्किंग बनी हुई है ये होती ही नहीं है उस समय पार्किंग। और ये एक नई बिल्डिंग बन गई और एक सर जा रहे हैं। ये नई बिल्डिंग बन रही है। ये पता नहीं कब तक बनेगी। हमारे सामने तो गाड़ी होगी और ये हमारा एक ग्राउंड है। तो अब हम चलते हैं इकबाल ब्लॉक। अब हम इकबाल ब्लॉक में आ गए। इकबाल ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे। ये इकबाल ब्लॉक ये यूनिवर्सिटी ये मेरे सामने। अभी हम इकबाल ब्लॉक ग्राउंड से इकबाल ब्लॉक के भी एंट्री को मैं इकबाल ब्लॉक के भी लाइक कायद ब्लॉक तीन फ्लोर हैं। अब इनके हर फ्लोर पे जाएंगे और हर फ्लोर का सर्वे करेंगे। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। लेट्स गो टू सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे एक अच्छी बात यह कि सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी होती है। लेकिन लाइब्रेरी की अच्छी बात है लाइब्रेरी में कंप्यूटर लाइब्रेरी कम जो कंप्यूटर कोयर में लगी थी ऊपर फ्लोर पे आप आ गए हैं आई टी लैब के। सेकेंड फ्लोर पे आ गए हैं इकबाल ब्लॉक के। और ये पीछे लाइब्रेरी लाइब्रेरी के साथ है एक लाइब्रेरी पार्क। लाइब्रेरी के साथ ही लाइब्रेरी पार्क है।
लाइब्रेरी पार्ट में ये होता है कि अगर आपको स्टडीज के लिए अलग बैठना हो तो आप बैठ सकते हैं और अपनी स्टडीज कर सकते हैं। तो अब हम लाइब्रेरी के अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि शोर होगा हमारी बच्चे, तो मैं आपको लाइब्रेरी के बाहर से ही बैग लाइब्रेरी नहीं आओ, लाइब्रेरी की बैग लाइब्रेरी के लेफ्ट हैंड साइड पर रखे जाए। लाइब्रेरी पार्ट के राइट हैंड साइड पे लाइब्रेरी और लाइब्रेरी आई टी लैब है। आई टी लैब के साथ आई टी लैब लाइब्रेरी की कंप्यूटर लैब जिसमें सारे कंप्यूटर्स रखे हैं। और हम इसके थर्ड एक बार के थर्ड फ्लोर पर ब्लॉक भी देखें, मैं जिस तरीके से मैनेजमेंट साइंसेज का काइल ब्लॉक है उसी तरीके से एक बार ब्लॉक कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के हैं। और हम थर्ड फ्लोर चल रहे हैं, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी खुल जाएगी जब तो वो इंजीनियरिंग होगा और काफ़ी क्लासेज होगी आप लोग हम छुट्टी में चलाना है और यूनिवर्सिटी खुलने वाली है तो थोड़े थोड़े रूम्स आपको देखते हैं। जिस तरीके से आपने लाइब्रेरी एक बार ब्लॉक थ्री देख ही लिया होगा, ये ऊपर का फ्लोर था लैब सेवन आपने वीडियो के स्टार्ट में देखी होगी। अब हम वापस एक बार ब्लॉक के बाद हम जाने वाले हैं ई डी ब्लॉक बार ब्लॉक के बिल्कुल बराबर में, ये नई बिल्डिंग है। लेट्स गो। तो अभी हम नोटिस बोर्ड के सामने खड़े हैं इकबाल ब्लॉक के। अब हम जाने वाले हैं ई डी ब्लॉक जो कि न्यू स्टैब्लिश हुआ है, अभी नया बना है, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आपसे पूछे इकबाल ब्लॉक ई डी ब्लॉक कहाँ है तो मैं ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम आ चुके हैं ई डी ब्लॉक में, ये बिल्कुल नया नया बना है, मैं अभी छुट्टियों के बाद आके ये सब देख रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता लगा है कि फोरियर से अब हमारी जगह चेंज हो गई है, जो पहले स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर होता था जिधर आपको कोई भी क्यूरी हो कि अपनी, वो इधर आ गया है स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर। कितनी बात है ये जॉब प्लेसमेंट पर हम आगे जा रहे हैं, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर ये है। इसमें यह है कि आपका कोई भी आपको मसला हो अपनी डिग्री के लिए, अपने सी वी के लिए, या फिर एज अ कहीं आपको अप्लाई करना है या फिर अपने ग्रेड और इसके बारे में बात करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ई डी ब्लॉक स्पेशली मशहूर है उसके लिए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट तो मुझे उसके बारे में इसलिए नहीं पता लेकिन साइकोलॉजी के लिए था। अब हम इसके बाकी फ्लोर्स देखेंगे तो हम ऊपर चलते हैं। तो ई डी ब्लॉक अब हम अच्छा ई डी ब्लॉक का एक और गेट भी है, एक एंट्री का वो ये है कि काइज ब्लॉक आप जैसे ऊपर देख सकते हैं कि काइज ब्लॉक से बिल्कुल अंदर आएंगे ये स्पेशल गेट है, इस सीढ़ियों से और ऊपर जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हम ऊपर बाकी फ्लोर देखने वाले हैं इन्हीं ब्लॉक के। ये है फर्स्ट फ्लोर ऑफ ई डी ब्लॉक। सो ई से आने से यूज करेंगे सिंपल फॉर अगर आपका कभी कोई पेपर हो मिड टर्म या फाइनल्स आपके एडमिट कार्ड में ई और 10 समथिंग होगा तो वो इस फ्लोर पर होगा। ये आपका रिसेप्शन है आई थिंक एंड वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ई डी ब्लॉक। तो अब हम लास्ट ब्लॉक अपने सरसियत ब्लॉक में जा रहे हैं। एज यू कैन सी सरसियत ब्लॉक, सरसियत ब्लॉक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए होता है, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से होता है। और अब हम इस ब्लॉक में खासियत ये है कि इस ब्लॉक में मॉस्क भी है और स्पोर्ट्स सेंटर भी है, तो हम दोनों जगह चलेंगे। लेट्स गो। ये अब हम फर्स्ट फ्लोर ऑफ ई डी नहीं सरसियत ब्लॉक में आ गए हैं। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर से नीचे आ रहा है, अंडरग्राउंड जा रहे हैं। मॉस्क एरिया में आपको स्पोर्ट्स का भी स्पोर्ट है तो अब्दुल खान और प्रोजेक्ट सेंटर है, प्रोजेक्ट सेंटर है, ये स्पोर्ट्स एरिया है, ये मॉस्क है जहाँ पर आपको होगा हमेशा सोचे अंदर आएगा। पीछे मेरे फुटबॉल स्टेडियम में ये जिम्नेजियम की तरफ हम जा रहे हैं। इस तरह हमारे हेड ऑफ स्पोर्ट्स और सर आपके वगैरह स्कूल तमाम एक्टिविटीज स्पोर्ट्स की हैं वो सर कंट्रोल करते हैं और इन्हीं के अंदर आज हम थैंक यू पाँची मिनट कर चुके हैं बहुत से स्पोर्ट्स के। मैंने आपको ट्रॉफी एच एस सी के
लिए उसमें चाहिए कि स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें ताकि हमें मुल्क का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इंसान एक्टिव रहता है इसमें तमाम चीज़ें उसकी जो है डिसिप्लिन आता है। सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाता है और डिसिप्लिन जो है लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि वो आगे आएँ, आके स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें। इंशाल्लाह ताला हर हमारे पास इंडोर आउटडोर तमाम फैसले हैं और हमें बैरी यूनिवर्सिटी में बहुत सी तस्वीरें दी हुई हैं। हम शुक्रगुजार हैं हम बैरी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर दिल्ली साहब का, हम डायरेक्टर जनरल साहब का, जो वो हमें हर हवा में हर फैसले भी देते हैं और हमारे स्टूडेंट को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। स्पेशली हमारे लिए इस बार मैम मिश्रा हमें गर्ल्स जिमनेजियम दिखा रही हैं। मैम मिश्रा इज अस एंड शी इज गोइंग टू शो अस, मैंने कभी खुद नहीं देखा है जिमनेजियम, सो वी आर गोइंग टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम। It's all covered, so no one could see it from the outside. Like especially for birds only. As you can see, it's for because of the holidays. I mean, छुट्टियों की वजह से बंद है जिम, और लेकिन लड़कियों के लिए तमाम फैसिलिटी, और वैसे मिस खुद अच्छा खुद ही बताएंगे थोड़ा। हेलो एवरीवन, दिस इज गर्ल्स जिमनेशियम, गर्ल्स के लिए सेपरेट है जिसमें टीचर्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं, फिर फ्री टाइम में एक्सरसाइज करने हैं, room number according to S40 something, so it's fourth floor of Tedxbukc. We have kind of frustrated now, and this floor and not floor only, the whole department is basically based on Department of Environmental Science and Earth and Environmental. Like if you are doing BS in geography or any kind of field, so this is your department. Let's get to our end part. Mm-hmm. So guys, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादातर हमेशा नज़र आऊँगा। ये फोर का थर्ड फ्लोर है, काई थर्ड फ्लोर। आप लोग शायद नए आए हो, तो पुराने वाले मैं मुझ समझिए मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। नए स्टूडेंट्स आएंगे, उनको नहीं पता हमारा फोर पहले कैसे हुआ करता था, तो अब आप देखने कितना चेंज हो गया। होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग। ये हमारी पूरी यूनिवर्सिटी थी, अब हम वीडियो के एंड तक पहुंचने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको लाइक आई सेड पूरी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा, तो यही यूनिवर्सिटी अगर ये आपको अच्छी साफ वीडियो लगी तो अभी लाइक दबाएं, अगर आपको फ़ायदेमंद साबित हुई वीडियो और आपको रास्ता पता लग गया और उसके लिए तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अब मैं जिस तरह का वादा किया था, जो स्पॉन्सर्ड पार्ट आने वाला है वीडियो का वो है ये स्पॉन्सर पार्ट है कि स्पेशल म्यूजिक मैं यूज़ करूँगा और उसके साथ पूरी यूनिवर्सिटी का एक टाइम लैप्स करके दिखाऊँगा। तो दिस वॉज आई एम ArizAzeem, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। भाई को इजाज़त दीजिए और गोवा में आ जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम ArizAzeem, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अज़ीम।